आत्मानुशासन नामक ग्रंथ में आत्मा के परिणामों से ही पुण्य और पाप की उत्पत्ति होती है, यह विषय कल अपन ने यहाँ प्रारंभ किया है। पुण्य और पाप आत्मा के परिणामों से होते हैं ऐसा कह करके दो बातें सामने आती है। एक तो हमारे परिणामों से पुण्य पाप होते हैं, तो कोई दूसरा हमारे को पुण्य और पापी नहीं करा सकता, ठीक है। किसी दूसरे की वजह से हम पापी नहीं हो सकते, या फिर पुण्य और पाप यदि हमारे ही परिणामों से होते हैं तो दूसरे पर दोषारोपण करने का कोई काम नहीं है। दूसरा हमारा भला कर देगा या दूसरा हमारा बुरा कर देगा, यह बात संभव नहीं है, क्योंकि आत्मा के ही परिणामों से पुण्य पाप होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, परिणामों से पुण्य पाप होते हैं ऐसा विचार चिंतन करने पर हमारे उपयोग से ये बात निकल जाती है कि क्रिया का फल मिलेगा। जो हमारी दृष्टि क्रियाओं पर रहती है, क्रियाओं को सुधारने में हम परिणामों की संभाल नहीं करते, अपितु परिणाम बिगाड़कर भी क्रियाएं सुधारना चाहते हैं। डांट के, गुस्सा करके, नाराज होकर के, झगड़ा करके यदि हम पूजन करते हैं, विधान आदि करते हुए भी यदि हम मनमुटाव रखते हैं, क्रोध आदि कषायें दिखाई देती रहती है, परिणाम बिगड़ते रहते हैं, ठीक है ना। तो समझिए, आप क्रियाओं को सुधारने में भी यदि परिणाम बिगड़ रहे हैं तो भैया फल तो परिणामों का लगेगा, क्रियाओं का नहीं। ये बात यहाँ आचार्य देव कहना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं कह रहे, क्रिया कोई गलत भी करे तो खास बात नहीं है, ऐसा नहीं कह रहे, ऐसा अन्यथा अर्थ नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि गलत क्रिया करने पर परिणाम अच्छे रह ही नहीं सकते। अच्छे परिणाम रहे तो गलत काम क्या होना चाहिए? माने यदि कोई व्यक्ति ये कहे कि हम क्रिया खोटी करें, लोगों को मारे पीटे लेकिन परिणाम अच्छे रख लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता भाई। कोई कहे कि चोरी करने में क्या फर्क पड़ता है, परिणाम तो ये रखोगे नहीं करना चाहिए, किए जाओ चोरी, ऐसा नहीं हो सकता है। इसके लिए आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में एक बहुत सुंदर श्लोक दिया है, सूक्ष्मापि नहि खलु हिंसा परवस्तु निबंधना भवति पुंसः, हिंसाय तन निवृत्ति परिणाम विशुद्धये तदपि कार्या। क्या कहा है? यद्यपि सूक्ष्म से सूक्ष्म हिंसा भी पर वस्तु के कारण से नहीं होती है। क्या कहा? सूक्ष्मापि न खलु हिंसा पर वस्तु निबंधना भवती पुंसः आत्मा के, यद्यपि सूक्ष्म से सूक्ष्म हिंसा भी किसी दूसरे के कारण से नहीं होती है, या दूसरे को मारने पीटने से नहीं होती है, या दूसरे की हिंसा हमारे माध्यम से की नहीं जा सकती है, ऐसा कह रहे हैं आचार्य देव। मतलब चर्चा हिंसा की चल रही थी और कुछ लोगों ने ऐसा तर्क किया कि भाई हमारे मारने से कोई मरता है क्या? मरेगा तो तब ना जब उसकी आयु पूरी होगी, तो फिर हमने उसको मारा तो हमारे मारने से तो मरा ही नहीं, वो खुद की आयु से मरा है। तो फिर हम यदि ऐसा मारने पीटने का काम करें और उसके पाप कर्म का उदय होगा तो पिटेगा, उसकी आयु पूरी हो जाएगी तो होगा। और दूसरी बात ये भी तो है कि इस क्रिया का तो फल आपने बताया नहीं है, आप तो कहते हो परिणामों का फल मिलता है, तो मारेंगे पीटेंगे और लेकिन परिणाम शुद्ध रखेंगे, देखो भाई फल तो परिणाम का लगेगा। हाँ, अभी तो क्रिया परिणाम की बात कर रहे हैं बस, है ना। जब अभिप्राय की बात करेंगे तो कहेंगे परिणाम से भी ऊपर अंतरंग में एक जो अभिप्राय चल रहा है, मान्यता, वो ज्यादा खतरनाक है। तो देखिए, ऐसे जीवों के लिए आचार्य देव ने कहा, यद्यपि तेरी बात बिल्कुल सच्ची है, तेरी बात बिल्कुल सच्ची है
कि दूसरे को मारने पीटने रूप क्रिया से फल नहीं लगता है, लेकिन ध्यान रखना पहली लाइन हुई सूक्ष्मापि न खलु हिंसा पर वस्तु निबंधना भवति पुंसे, लेकिन हिंसायतन निर्वृत्ति, हिंसा के आयतनों से निर्वृत्ति न होने पर परिणाम विशुद्ध है। परिणाम विशुद्ध कैसे होंगे? वो नहीं हो सकते। आप यदि ये सोचते हो कि हिंसक क्रियाओं में तो प्रवृत्त होते रहे लेकिन परिणाम अच्छे रहेंगे, वो हो ही नहीं सकता, वो चीज संभव नहीं है। आपके परिणाम अच्छे तभी रहेंगे जब आप क्रिया भी अच्छी होगी। बुद्धिपूर्वक हिंसा झूठ चोरी आदि जो पाप है इन पापों से बचने का प्रयास करेंगे तो परिणाम भी अच्छे रहेंगे। काम खोटे और परिणाम अच्छे, ये दो पना नहीं होता है। जैसा अभिप्राय वैसा परिणाम और जैसा परिणाम वैसी क्रिया। इसलिए क्रिया को देख करके परिणामों का अनुमान लगाया जा सकता है और परिणाम से अभिप्राय का अनुमान लगता है। जितने पापी जीव दिखाई देते हैं जगत में, कहीं चोरी कर ली, डाका डाल दिया, हत्या कर दी किसी की, तो आप ये निश्चित मान करके चलिए कि उनके मन में वो बात आई थी, क्योंकि मन में आए बिना कार्य नहीं हो सकता। परिणाम मतलब मन की क्रिया, वो परिणाम है, ठीक है। और शरीर की क्रिया, उसे क्रिया कहते हैं अपन, परद्रव्य की क्रिया है। तो शरीर की क्रिया अंतरंग परिणामों के बिना नहीं हो सकती। जैसे उदाहरण के तौर पर आप ये कहें कि साहब हम मंदिर तो आए नहीं, स्वाध्याय करने के लिए तो आए नहीं, और घर में बैठ करके अपने परिणाम अच्छे रख लेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। या फिर ऐसा समझे हम कि हम परिणाम तो बुरे रखें और मंदिर आ जाएं, ऐसा भी नहीं हो सकता। माने हमारे मंदिर आने का परिणाम नहीं हो और मंदिर आने की क्रिया हो जाए, ये बात संभव नहीं है। माने जो व्यक्ति मंदिर आया है ये निश्चित मान करके चलिए कि उसके विचार में, उसके परिणामों में मंदिर आने की बात अवश्य आई थी, तभी वो मंदिर की तरफ आया है। माने क्रिया और परिणाम का ऐसा सुमेल है, अकेले क्रिया होती हो और परिणाम नहीं होते हो, ऐसा भी संभव है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी परिणामों के बिना क्रिया होती नहीं है, ये बात मुख्यता से समझना चाहिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है क्रिया तो अच्छी दिखाई दे रही है लेकिन परिणाम बिगड़ रहे हैं, उनका यहाँ निषेध कर रहे हैं। बैठे हैं मंदिर में, परिणाम बिगड़ रहे हैं हमारे, दूसरे को देख देख करके नालायक आज ये भी आ गया यहाँ, इसको किसने बता दिया कि यहाँ मंदिर में प्रवचन चलता है, अरे तुझे क्या लेना देना है, इसको तो निमंत्रण ही नहीं दिया था वेद प्रतिष्ठा में आने के लिए, ये कहाँ से आ गया यहाँ पर। तो देखो दूसरों के बारे में ऐसा विचार करके आप यदि किसी धार्मिक आयोजन में संलग्न होते हैं तो निश्चित रूप से फल तो परिणामों का लगेगा। मूल श्लोक अपन ने यहाँ पढ़ा था, 23 नंबर का श्लोक, एक बार बोल करके अपन आगे बढ़ते हैं। पुण्य पाप सब परिणामों से होता है कहते बुद्ध जन, देखिए पेज नंबर 22 पर, बुद्धिमान पुरुष निश्चय से आत्मा के परिणाम अर्थात भावों को ही पुण्य पाप का कारण कहते हैं। क्या कह रहे हैं? बुद्धिमान पुरुष, समझदार ज्ञानी धर्मात्मा निश्चय से आत्मा के परिणामों को ही, आत्मा के भावों को ही, आत्मा के भावों को नहीं अपने भावों को, आत्मा मतलब मैं वे कहते हैं कि अपने ही भावों से पुण्य पाप होता है, इसलिए भले प्रकार से पाप का नाश, भले प्रकार के अंदर समझ लेना परिणामों सहित पाप का नाश, क्योंकि भले प्रकार का क्या अर्थ करेंगे यहाँ, पाप का नाश मतलब पाप प्रवृत्ति का नाश, और भले प्रकार से मतलब परिणाम छोड़ते हुए, नहीं बस देखिए प्रवृत्ति में पाप तो बहुत कम होते हैं, क्रिया परिणाम अभिप्राय की जब बात करते हैं या मन वचन काय की जब बात करते हैं तो काय से होने वाले पाप बहुत कम होते हैं दुनिया में,
वचन से होने वाले पाप उससे बहुत गुना ज्यादा हैं, और वचन से जितने पाप करता है उससे बहुत गुना ज्यादा पाप ये मन से करता है। जगत में जितने हत्याएं आत्महत्याएं आदि होती दिखाई देती हो, क्या उनमें होती हुई दिखाई दे रही है, अनेक क्रिया प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, वो बहुत कम है। और उससे ज्यादा न मालूम कितनी बार जवान से हम मार देते हैं, मर जा, मार देना चाहिए इसको तो। देखो मारा नहीं, न मालूम कितनी बार इसको तो फांसी की सजा होनी चाहिए, क्या उड़ा दो इन सबको, कब तक इनको तो बिल्कुल निकाल देना चाहिए देश से। बोलो आप यदि इस तरह के वचन बोलते हैं तो किया कुछ नहीं है, लेकिन वचनों में बहुत ज्यादा पाप कर दिया है, और वचनों में जितना किया था उससे बहुत गुना ज्यादा पाप मन में हुआ है। ऐसा समझ लीजिए आप कि क्रिया में यदि प्रवृत्ति में यदि कोई खोटा कार्य और पाप दिखाई देता है तो उसको तो करने से गवर्नमेंट रोकती है, पुलिस रोकती है, कानून रोकता है, ठीक है ना। हम नहीं कर सकते खोटे काम, गलत काम हमसे नहीं हो सकते, है ना। वचनों से यदि हम अपराध करते हैं, कुछ भी कह दिया, उल्टा सीधा बोल दिया, गुस्सा कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो पुलिस तो नहीं पकड़ेगी, लेकिन समाज और परिवार वाले रोकते हैं। कैसा नाला, कैसा आदमी है, किस तरह से बोलता है, बोलने की मैनर्स नहीं है। माने समाज के सामने, अन्य लोगों के सामने, रिश्तेदारों के सामने, आस पड़ोस वालों के सामने हम संभल करके बोलते हैं, दूसरे लोगों के सामने। तो प्रवृत्ति, काय की प्रवृत्ति, उससे तो कानून ने रोका, पुलिस ने रोका, और वचनों में खोटी प्रवृत्ति हुई, वचन संभल करके नहीं बोले गए, तो समाज और आस पड़ोस वालों ने टोका हमारे को, तो उनसे डरकर हमने वचन में भी खोटी बात नहीं कही। लेकिन मन में यदि खोटी बात आई है तो न समाज रोकती है न कानून रोकता है। बोलो उसे रोकने वाला कौन है, तो स्वयं ही है। तो उसे रोकने के लिए आचार्य देव कह रहे हैं कि फल तो परिणामों का लगेगा, वचनों का और काय की चेष्टा का नहीं, ये समझ लेना। तू समझता था कि बाहर से अच्छे कपड़े पहन करके, सफेद कपड़े पहन करके मैं धर्मात्मा हो गया, तो ऐसा समझता था कि बहुत भक्ति भाव से मैं मंदिर में सबके सामने पूजन करता हूं तो लोग मुझे धर्मात्मा समझते हैं। इस धोखे में मत रहना, तेरे पुण्य और पाप कर्म का संचय अच्छे धुले हुए कपड़े पहन करके पूजन से नहीं, अभी तो तेरे परिणाम किधर जा रहे हैं उसके आधार पर लगेगा, पुण्य पाप कर्म का बंधन उसके आधार पर होगा, ये समझा रहे हैं यहाँ आचार्य देव। दूसरे को अच्छा दिखने की अपेक्षा अच्छा अंदर से हुआ जाता है, वो बात यहाँ बता रहे हैं। इसलिए कितने सुंदर शब्द दे दिए, इसलिए भले प्रकार से, क्या शब्द दिए, भले प्रकार से पाप का नाश, भले प्रकार से मतलब अंदर से, अभिप्राय से, चिंतन से, चिंतन बदल जाए। पाप का नाश तो जगत में सब करते हुए दिखाई देते, कौन करता है बोलो, चोरी। आप यदि देखेंगे ना तो आपके आस पड़ोस में कोई हत्यारा नहीं मिलेगा, कोई चोर नहीं मिलेगा, क्या कोई व्यभिचारी लुटेरा नहीं मिलेगा, डाकू नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखो आप कितने लोग ऐसे हैं, आप कितने ऐसे लोगों को जानते हैं, हजारों लोगों को जानते होंगे, उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो जेब काटते हैं, बोलो। हजारों लोगों में से एक आध व्यक्ति को भी जानते हैं जो व्यक्ति जेब काटता है, जो व्यक्ति चोर है, चोरी करता है, किसी के भी घर में जाकर के कुछ भी चुरा लाता है, बोलो कितने लोगों को जानते हैं आप। क्यों? मिलेंगे ही नहीं ऐसे। कितने लोग ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने बहुत लोगों की हत्याएं की है,
दंगा फसाद मारपीट करते हैं, बहुत कम नहीं होंगे, नहीं नहीं है, दिखते ही नहीं है। तो इसका मतलब कोई व्यक्ति दुनिया में पापी ही नहीं है, क्योंकि दिखते तो है ही नहीं। बाहर से पापी न दिखाई देने पर भी अंतरंग परिणामों में किया गया पाप ही असली पाप है। इसलिए भले प्रकार से पाप छोड़ने का मतलब, पाप प्रवृत्ति तो हिंदू मुसलमान सबने छोड़ रखी है, लेकिन पाप परिणाम छोड़ना ही पाप छोड़ना है। वही कहा ना, इसलिए भले प्रकार से पाप का नाश और पुण्य का संचय करना चाहिए। अब पुण्य का संचय भी प्रवृत्ति से नहीं, परिणामों से। हम बोल क्या रहे हैं और सोच क्या रहे हैं? आप सोच रहे हैं कि बोलने का फल मिलेगा और हम कह रहे हैं कि सोचने का फल मिलेगा। आप ये सोचते हैं बोलने का फल मिलेगा, इसलिए आप कुछ भी सोचते रहते हैं और मुंह से पाठ करते रहते हैं। किचन में काम कर रहे हैं और सोच रहे हैं पता नहीं क्या काम कर रहे हैं शरीर से कुछ, और वचन से बोले जा रहे हैं भक्तामृत, वचन से बोले जा रहे हैं आलोचना पाठ, क्या मेरी भावना बारे भावना बोलो, हम स्तुति बोलते जा रहे हैं और मन कहाँ जा रहा है? लेकिन मन यदि नहीं लग रहा है तो समझ लीजिए आपके उस वचन की प्रवृत्ति का कुछ फल नहीं है। पुण्य का संचय करो भले प्रकार से, वो कैसे होगा? मन लगा करके। देखो तो आपको यदि बोलना ही है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप दूसरे काम करते समय बोले ही नहीं। देखो भाई ऐसा मत समझना, आपको यदि समय कम मिलता है तो आप काम करते करते भी बोल सकते हैं, लेकिन ध्यान तो रखो, ध्यान रखना चाहिए हम क्या बोल रहे हैं, उपयोग तो उधर रखो, मन लगा करके बोलो, बुद्धिपूर्वक बोलो। लेकिन होता तो ऐसा है बोलते बोलते कहीं अटक जाते हैं तो हमें पता नहीं होता कहाँ तक बोला था, क्या मालूम कहाँ तक बोल लिया था, कहाँ तक बोला, इसका मतलब क्या हुआ। और फिर पता है आप कहाँ से शुरू करें, बीच में अटक गए तो क्या वहां से शुरू करें कि जहाँ कहीं बीच में एक बार उपयोग रुक गया था ना कहीं, वहां ध्यान आता है न मालूम उसके आगे कितने श्लोक बोल दिए थे, नहीं वहां तक का तो ध्यान है कि वो बोला था, उसके बाद में बोलो आप क्या चढ़ाया था अभी वही पता नहीं, और कितने सेकंड पहले, मुश्किल से 30 सेकंड पहले, वही ध्यान नहीं है। भावार्थ पढ़ते हैं इसका, है ना। कुछ लोग शरीर की सामर्थ्य न होने पर क्या कह रहे हैं, टोडरमल जी की पंक्तियां हैं, कुछ लोग पेज नंबर 22 पर पढ़ रहा हूं, कुछ लोग शरीर की सामर्थ्य न होने पर, कुछ लोग धनाधिक न होने पर और कुछ लोग अन्य सहायक न होने पर धर्म साधन नहीं हो सकता ऐसा मानते हैं। दुनिया में ऐसे लोग बहुत दिखते हैं, अरे साहब हम कहाँ धर्म कर सकते हैं, हमारे पास तो पैसा ही नहीं, अरे साहब अब तो मैं बिल्कुल धर्म करने की, क्यों? क्योंकि अब तो उठना बैठना ही बंद कर दिया डॉक्टर ने, अब बिस्तरों पर अब बेड रेस्ट बता रखा है तो अब तो हम धर्म ही नहीं कर सकते, क्या करें, क्योंकि मंदिर ही नहीं जा सकते, हमारा सब धर्म छूट गया। क्यों? क्योंकि ये पैर में फ्रैक्चर हो गया, हम तो सीढ़ियां ही नहीं उतर सकते, हम तो मंदिर ही नहीं जा सकते, प्रक्षाल पूजन सब छूट गया, हमारा सब धर्म बिल्कुल, ये एक महीना तो बिल्कुल जैसे पापी हो गए हो। कुछ लोग ऐसा समझते हैं, ये सच्ची बात नहीं है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये अज्ञानी मानते हैं ऐसा, ऐसा कहना चाह रहे हैं। कुछ लोग शरीर की सामर्थ्य न होने से, शरीर की बात हो गई, चला फिरा नहीं जाता है, बहुत सारे लोग, बहुत लोग दिखाई देंगे आपको, जीवन भर हमने खूब पूजन की, रोजाना एक दिन मंदिर नहीं छोड़ा, एक दिन प्रक्षाल करना नहीं छोड़ा, एक दिन पूजन करना नहीं छोड़ा, ये दर्शन तो कभी छूटे ही नहीं जीवन में, जन्म से 40 दिन के हुए थे तब से लेकर के आज तक कभी दर्शन छूटे ही नहीं हमारे। तो ये कह रहे हैं फिर भी वो ऐसा समझते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति आ जाने पर, शारीरिक सामर्थ्य न होने पर, हड्डी टूट गई, फ्रैक्चर हो गया, बीमार पड़ गए, अस्पताल में भर्ती हो गए, अब ऐसी परिस्थिति में दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, पूजन भक्ति नहीं कर पा रहे हैं,
ऐसा, या फिर कुछ लोग धनाधिक न होने पर पैसा ही नहीं, नानी नहीं दे सकते, करा ही नहीं सकते, हम तो आयोजन करा नहीं सकते, हमारी भी भावना तो थी लेकिन क्या करें, हम कर ही नहीं सकते धर्म। और कुछ लोग अन्य सहायक न होने पर, अन्य सहायक नहीं होने पर, अब क्या करें साहब, अब तो पराधीन दशा है, अब कोई हमारे को गाड़ी में बिठा करके दर्शन करा लाए तो करें, अब कोई सहायक ही नहीं है, अब क्या करें, हम तो दर्शन नहीं कर सकते। तो अन्य सहायक न होने पर बहुत लोग ऐसे बुजुर्गों में ऐसी हालत दिखाई देती है। इसलिए देखो आप, जिन कॉलोनियों में जहाँ जैन मंदिर नहीं है वहाँ जैनियों के घर बहुत कम दिखाई देंगे, और जहाँ जैन मंदिर हैं वहाँ जैनियों के फ्लैट सबसे ज़्यादा मिलेंगे। क्यों? या फिर जहाँ जैनी बस गए हैं जाकर के वहाँ जैन मंदिर बन जाता है, क्योंकि जैनियों को तो जिन दर्शन चाहिए, और मंदिर के पास में आपको न्यूज़पेपर में यदि कहीं विक्रय योग्य मकानों की सूचना मिलेगी जैन मंदिर के पास, रेट बढ़ जाएगी। माने जिन दर्शन करने से हमें ऐसे लगता है उससे ही धर्म है, उसके बिना तो कोई धर्म साधन नहीं हो सकता। हम पराधीन है, सामने ही मंदिर हो मान लो, अरे हाँ शहर में रहते थे तो सामने ही मंदिर था, किसी की कोई जरूरत नहीं थी, नीचे ही मकान था और सामने ही मंदिर था तो कर जाते थे। अब जब से यहाँ प्लाट पे आए हैं तब से तो पराधीन हो, अब धर्म साधन नहीं हो सकता। कुछ लोग, तीन बातें हो गई, हाँ ऐसा है ना, ये कह रहे हैं कुछ लोग शरीर की सामर्थ्य न होने पर, पहले पहले प्रकार के, दूसरे प्रकार के लोग, कुछ लोग धनाधिक न होने पर, फिर तीसरे कुछ लोग अन्य सहायक न होने पर धर्म साधन नहीं हो सकता ऐसा मानते हैं। परंतु यह उनका भ्रम है, ये सच्ची बात नहीं है, इससे धर्म नहीं होता। उन्हें ऐसी स्पष्ट बातें कहाँ मिले आपको दूसरी जगह पर? अभी यदि आप, ये तो ग्रंथ सामने है, सामने नहीं हो और आप ऐसी बात किसी के सामने करो तो दर्शन करने की कई निषेध कर रहे, ये कहते हैं मंदिर ही मत जाओ, मंदिर जाने से धर्म नहीं होता, उससे कोई मतलब नहीं। अरे भैया मंदिर जाने का निषेध नहीं है, जो नहीं जा सकते उनकी बात नहीं जा सकते और जाने के परिणाम बने हुए हैं उनकी बात कर रहे हैं यहाँ, वे पापी नहीं हो गए। हम तो रोज बोलते हैं, ये उनको समझा रहे हैं जो रोजाना पूजन कर रहे हैं, उनके गले नहीं उतर रही ये बात, उनको कह रहे हैं अपवित्र है पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितो भी वा ध्यायेत पंच नमस्कारम सर्व पापी प्रमुच्यते। अपवित्र हो या पवित्र, जो नमोकार को ध्याता है चाहे सुस्थित हो या दुस्थित, पाप मुक्त हो जाता है। बोलो, ये बोलते तो हैं हम रोजाना, ये अर्थ क्या है इसका? अपवित्र है पवित्र हो, चाहे अपवित्र हो चाहे पवित्र हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे साहब क्या करें, ये ऐसा फ्रैक्चर हो गया है कि नहाना ही बंद हो गया है अस्पताल में, अब यहाँ तो नहाने धोने की व्यवस्था हो नहीं सकती, अब अपवित्र है यहाँ के बिस्तरों में, यहाँ कैसे क्या, तो कुछ बड़ा बहुत ऐसा लग रहा है हमारे को, अब तो धर्म ही नहीं हो सकता। तो क्या कह दिया, आप अपवित्र हो या पवित्र हो, आप पवित्र है पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितो वा, भले प्रकार से बैठे हो चाहे बिस्तरों में लेटे हो, आड़े पड़े हो, करवट ही नहीं बदल सकते, बैठ ही नहीं सकते, सुस्थितो दुस्थितो वा ध्यायेत पंच नमस्कारम, आप नमस्कार मंत्र का ध्यान कर सकते हैं, ध्यायेत पंच नमस्कारम सर्व पापे प्रमुच्यते। अपवित्र है पवित्रो वा सर्व अवस्थाम गतोपि वा, सर्व अवस्थाम गतोपि, किसी भी अवस्था में हो, अपवित्र है पवित्रो वा सर्व अवस्थाम गतोपि वा, यह स्मरित परमात्मानं से बाह्य अभ्यंतरे शुचि, जो नमोकार मंत्र का स्मरण करता है बाहर और अंदर से सबसे पवित्र हो जाता है। इसलिए आप तो चिंतन की तरफ ध्यान दीजिए,
आप प्रवृत्ति की तरफ नहीं, परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं है लेकिन मनस्थिति हमारे हाथ में है। इसलिए परिस्थिति को बदलने से कोई धर्मात्मा नहीं होता, लेकिन मनस्थिति को बदलने से जीव पुण्य संचय कर सकता है। ऐसे कह रहे हैं आचार्य जी, वो हमारे हाथ में है ही नहीं। अब हड्डी टूट गई तो हम क्या करें, बोलो, उठ बैठ नहीं सकते तो हमारा कंट्रोल तो नहीं चल सकता है ना उसमें। हम यदि मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो हमारा कंट्रोल तो नहीं चल सकता है ना। देखो, और ये इन्होंने कहा कुछ लोग अन्य सहायक न होने पर, अन्य सहायक न होने पर में एक सहायता की चर्चा तो मैंने की कि मंदिर ले जाने वाला नहीं है, और दूसरा कहा सहायक न होने पर इसका अर्थ लगाया जा सकता है कि मंदिर जाने नहीं देते, रोक लेते, ये सहायक नहीं होने पर। हम क्या करें साहब, आने ही नहीं देते हमारे को। ये तो वृद्धावस्था की बात है, और आप में शक्ति सामर्थ्य है लेकिन घर में झगड़े खड़े हो जाते हैं रोज रोज। ये क्या लगा दिया आपने नया चक्कर, रोजाना एक एक घंटे तक मंदिर जाके बैठ जाते।